जंगल में कछुए और खरगोश की रेस शुरू होती है। सभी जानवर सोचते हैं कि खरगोश तो जीत जाएगा क्योंकि काफी तेज दौड़ता है, पर जब रेस शुरू होती है तो शुरुआत में खरगोश आगे की तरफ रहता है, लेकिन खरगोश थोड़ी दूर चल के रुक जाता है, पर कछुआ धीरे धीरे आगे की तरफ चलता रहता है और अंत में कछुआ ही ये रेस जीत जाता है। तो देखिए आपने ये एनिमेटेड स्टोरी, ये स्टोरी कितनी बढ़िया लग रही थी। अब ये जो स्टोरी बनाई है मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट में बनाई है और काफी ज्यादा ईजी वे से बनाई है और काफी ईजी तरीका है इस तरीके की स्टोरीज बनाने का। इस तरीके से आप काफी सारी स्टोरियां बना सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो। आज की डेट में इस तरीके की यूट्यूब चैनल जो कि AI से इमेज जनरेट करके, AI से वीडियो जनरेट करके स्टोरी वाले चैनल जो है काफ़ी अच्छे व्यूज ले रहे हैं। फिर वो शॉर्ट कैटेगरी में भी है, लॉन्ग कैटेगरी में भी है। तो अगर आप शॉर्ट कैटेगरी में चाहते हो साइज है वो चेंज कर सकते हो, लॉन्ग फॉर्मेट में डालना चाहते हो तो लॉन्ग फॉर्मेट में डाल सकते हो और काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आपको सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप इस तरीके की स्टोरीज बना सकते हो और उसको मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हो। तो देखो अभी इस तरीके की स्टोरी के अंदर हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, फिर हमारे को इमेज डाउनलोड करने के लिए प्रॉम्प्ट की रिक्वायरमेंट है और फिर हमारे को प्रॉम्प्ट से इमेज या फिर वीडियो के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है उसकी रिक्वायरमेंट है और फिर हमारे को वॉइस ओवर की या फिर AI से हम वॉइस जनरेट कर सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टोरी से लेके कि आपको स्टोरी कैसे निकालनी है, आपको कॉन्टेंट कैसे कहाँ से निकालना है। तो हमारे क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर पर आना है, ChatGPT पे जाना है। जैसे ChatGPT सर्च करके हम ChatGPT पे आ गए। अभी यहाँ पे हमारे को सर्च करना है, जैसे हम टॉर्टॉय और रैबिट की स्टोरी डाल रहे हैं तो राइट अ स्टोरी ऑफ टॉर्टॉय एंड रैबिट इन हिंदी। हम हिंदी में बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अपन ने हिंदी लिख दिया। अभी यहाँ पे हम इसके ऊपर सर्च करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सर्च करते ही हमारे सामने पूरी स्टोरी आ चुकी है। अभी ये जो स्टोरी है आप चाहते हो वर्ड के हिसाब से कि आपको 100 वर्ड में लिखनी है, 500 वर्ड में लिखनी है, 1000 वर्ड में लिखनी है, तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हो कि आपको इतने वर्ड में चाहिए, है ना। अभी यहाँ पे स्टोरी आ गई। अब हमारे को इस स्टोरी से रिलेटेड सीन चाहिए, सीन के लिए हमारे को सीन का प्रॉम्प्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमारे को लिखना है गिव इमेज प्रॉम्प्ट ऑफ दिस स्टोरी। तो जैसे हमने लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हमने सीन बाय सीन लिख दिया ना आगे, तो अब सीन बाय सीन आपको सारे सीन देखने को मिल जाएंगे, आपको 8-10 सीन देखने को मिल जाएंगे ताकि वो 8-10 प्रॉम्प्ट से आप इमेजेस वीडियो डाउनलोड कर पाओ। तो यहाँ पे हमारे को प्रॉम्प्ट आ गए हैं हर इमेज के, हर वीडियो के। तो यहाँ से हमारे को सबसे पहले इस चीज़ को पूरे को कॉपी करना है। तो पहले हम सारे सीन को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और आपके फ़ोन के अंदर नोट्स होता ही है, नोट्स वाला एप्लीकेशन ओपन करी और इस नोट्स एप्लीकेशन के अंदर अपन ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये तो हो गए हमारे 8 सीन की जो प्रॉम्प्ट है वो। अब आ जाते हैं अपन स्टोरी पे। अभी यहाँ से हमारे को स्टोरी कॉपी करनी है, ये स्टोरी अपन ने यहाँ से कॉपी कर ली और सेम अपने नोट्स के अंदर जाके यहाँ पे अपन ने पेस्ट कर दी ताकि उसका अपन वॉइस ओवर कर सकें या फिर हम AI से वॉइस जनरेट करना है तो वो भी कर सकें। तो इतना समझ में आ गया हमारे को स्टोरी कैसे निकालनी है, इमेज के लिए प्रॉम्प्ट कैसे निकालना है। प्रॉम्प्ट जो वर्ड लिखना है वो ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया वही लिखना है बस। अब आप जिस भी टॉपिक के ऊपर स्टोरी चाहते हो वहाँ पे नाम चेंज कर देना। जैसे हमने टॉर्टॉय रैबिट के ऊपर गए हैं, आप अगर किसी और अगर एनिमल पे जा रहे हो तो वो, अगर आप ह्यूमन पे जा रहे हो तो वो वर्ड चेंज कर देना, आपको प्रॉपर स्टोरी देखने को मिल जाएगी। अब देखो अपन ने प्रॉम्प्ट ये सब निकाल लिया ना, अब इसको अपने को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है। वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी बेहतरीन आपको AI वेबसाइट बता रहा हूँ, वहाँ पे जाकर आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। आपका जो प्रॉम्प्ट है उससे डायरेक्ट वीडियो ही कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं आपको पहले इमेज डाउनलोड करनी है फिर वीडियो में कन्वर्ट करना है। सबसे अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है पिकवर्ड्स। जैसे हम अभी यहाँ पे क्रोम पे आ जाते हैं और यहाँ पे अपन ऊपर सर्च कर लेते हैं पिकवर्ड्स, जैसे PIXVERSE यहाँ पे हमने सर्च कर लिया, ये पिकवर्ड्स AI आ गया। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आई थी इस पर क्लिक किया। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन मिल रहा है, ऐड एन इमेज और जस्ट टेक्स्ट हियर। तो या तो आपके पास इमेज है तो इमेज के साथ में टेक्स्ट डाल दो, अदरवाइज आपने जो अपने प्रॉम्प्ट निकाला टेक्स्ट का वो एज इट इज टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जो प्रॉम्प्ट है फर्स्ट सीन का जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, द चैलेंज वाला जो अपने सीन है इसको कॉपी किया यहाँ से, ये कॉपी कर लिया। अब यहाँ से चलते हैं अपन अपनी पिक्सवर्ड्स के ऊपर, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अभी पेस्ट करते ही यहाँ पे आपको जो वीडियो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर चुका है। अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो पिकवर्ड्स में क्या होता है, जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको 100 क्रेडिट मिलेंगे। अगर आपको एक दिन में 2-3 वीडियो बनाने तो आपको 2-3 बार लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ से आपको 100 क्रेडिट हर बार मिलेंगे। अभी जैसे अपन ने यहाँ से 100 क्रेडिट मिले थे, अपन ने एक वीडियो के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला, 15 क्रेडिट यूज़ होंगे एक वीडियो जनरेट होने के लिए। तो अपन लगभग 6 सीन यहाँ से पर डे के इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपन ने इसे एक सीन डाउनलोड कर लिया, ये हमारे पेस्ट करके यहाँ पे अपनी इसमें आ गया अपने फाइल्स के अंदर।
अभी ये जो अपन ने सीन डाउनलोड किया, इसी तरीके से आपको सारे सीन डाउनलोड करना है। और जब आप सारे सीन डाउनलोड कर लोगे, जैसे 8 सीन आपके बन गए, और उसके बाद आपको क्या करना है, वो एडिट करना है। अब एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, VN एप्लीकेशन अपन ने डाउनलोड कर ही रखी है। VN के अंदर जितने भी सीन्स हैं इनको हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे 1 A2। अभी मैं आपके लिए 2-3 ही कर रहा हूँ। 8 सीन करेंगे तो वीडियो लगभग 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। अपन शॉर्ट के अंदर फिनिश करते हैं इसको। जैसे अपन ने यहाँ पे 5 सीन डाउनलोड कर रखे थे, तो 5 सीन कर लिया अपन ने। अब ये 5 सीन को आपने स्टेप बाय स्टेप लगा दिया। अभी ये जो है प्रॉपर एक वीडियो सेटअप हो चुका है, प्रॉपर एनिमेटेड वीडियो हो चुका है, जहाँ पे आपको खरगोशों कछुए भागते हुए देखने को मिलने वाला, तो ये रेस आपको देखने को मिलने वाली है। अब इसके अंदर हमको वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपनी खुद की ऑन वॉइस को यहाँ पे रिकॉर्ड करना, उससे आपका चैनल मोनेटाइज होगा, वहाँ से आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। मतलब अदरवाइज अगर आप AI यूज़ करोगे तो हो सकता है यूट्यूब उसको मोनेटाइज करने से अलाउ ना करे। तो यहाँ पे हमारे खुद की वॉइस यूज़ करनी है, तो अब यहाँ पे हम खुद की वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चले गए, तो यहाँ से हम जैसे रिकॉर्ड का टैब ऑन किया, अब रिकॉर्ड के ऊपर हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जो स्टोरी है वो प्रॉपर पूरी तरीके से रिकॉर्ड हुई है, और उसके बाद ये जो वीडियो है ये एक्सपोर्ट होके वैसा दिखेगा जैसा आपने स्टार्ट में देखा था। तो इस तरीके से आप AI से जनरेट करके प्रॉपर एक एनिमेटेड वीडियो बना सकते हो, इस तरीके का चैनल भी बना सकते हो, जहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, जहाँ पे ना तो आपको अपना फेस दिखाना है, ना ही आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, जिससे आपको मतलब ऐसा लगता है ना कि यार हमारे को फेस भी मतलब कैमरा फेस करने में इश्यूज़ होते हैं, वो सारे इशूज़ सॉल्व हो जाएंगे और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वीडियो बस यहीं तक एंड करते हैं, और आपको मैंने सिखा दिया है कि तरीके से आप AI से स्टोरी वीडियोस बना सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इजी स्टेप्स थे, काफ़ी स्मूथली आप सीख गए होगे। सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर अपन ने पूरा वीडियो बना लिया। तो ये जो ट्रिक्स है, ये जो टिप्स मैंने आपको बताई है, इसी तरीके की यूज़ करके आप भी अपना चैनल बना सकते हो, उसको मोनेटाइज भी करवा सकते हो। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलता है आपसे वीडियो में। ओके बाय।